दोस्तों हम पहुंच गए हैं इस टाइम बाबे दीर शराह पे, और जैसे ही हमने बाबे दीर क्रॉस किया तो हमें ये पता चला कि आगे लोड शेडिंग की वजह से स्ट्राइक जा रही है। तो फिर का एक अच्छा भाई हमें मिल गया सुजुकी वाला, उसने हमें सारा गाइड किया। उसने हमें एक पहले एक लकड़ का पुल क्रॉस कराया, फिर काफ़ी फासला तय करने के बाद ये वाला दूसरा पुल हमें क्रॉस कराया। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी रास्ते में, आप देख रहे हैं पानी भी साइडों का जो है वो काफ़ी गंदा हुआ हुआ है। वो यही वजह थी कि बारिश जब ज़्यादा होती है तो मिट्टी जो आती है वो इस पानी में आती है, लेकिन जैसे जैसे हम थल की तरफ जा रहे थे तो पानी काफ़ी साफ़ होता गया, और थल में तो बहुत ही साफ पानी था। और जैसे जैसे हम आगे ट्रैवल करते जा रहे हैं तो पानी काफ़ी साफ होता जा रहा है, और काफ़ी खुशगवार मौसम और काफ़ी अच्छा मौसम है। और रास्ते में हमें जगह जगह पे बारिश भी मिल रही है, और बादल तो थ्रू आउट हमारे सफ़र में बादल थे ही थे। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, हम 6 दोस्त ट्रैवल कर रहे थे और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा एंजॉय करते रास्ते में। रोड भी जो थी वो दोस्तों काफ़ी साफ़ सुथरी रोड है, काफ़ी खूबसूरत शराब बनाई हुई है।
इस टाइम दोस्तों हम शरेंगल बाज़ार के पास हैं और ये काफ़ी अच्छा होटल है जहाँ पे काफ़ी मेयारी खाना मिल जाता है आपको। तो होटल का नाम है जायका महल के नाम से होटल है और ये बैक साइड है और देख रहे हैं आप पानी भी दरिया में काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि खाना खाएंगे और फिर इसके बाद ये पुल क्रॉस करें तो दीर बाज़ार की तरफ जाता है रास्ता और यहाँ पे खाना खाने के बाद नेक्स्ट हम थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आगे ट्रैवल करेंगे। दोस्तों काफ़ी अच्छा खाना था और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी और चाय काफ़ी मज़े की थी। काफ़ी देर से हम सफ़र कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा चाय पीने के बाद हमारी थकावट माशाल्लाह से काफ़ी उतर गई और दोबारा से हम रेडी हो गए सफ़र के लिए। आप भी अगर आते हैं तो रास्ते में इस होटल पे अगर दीर के पास यही वाहिद होटल है जायका होटल, इसको जायका महल के नाम से है, काफ़ी अच्छा और मियारी खाना यहाँ पे मिल जाता है आपको। यहाँ से दोस्तों हमने तो ये सीधा शरेंगल की तरफ जाना है। अगर आप कुमराट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो पहले थल आएगा शरेंगल की तरफ ही आप सीधा जाएंगे, उसके बाद थल आएगा आगे। और यहाँ पे एक रास्ता आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे रास्ता जा रहा है और ये रास्ता जा रहा है दीर बाज़ार। दीर का अपर दीर का ही इलाका है ये, उसके बाद शरेंगल आ जाएगा और नेक्स्ट हमारा सफ़र है शरेंगल की तरफ। पानी काफ़ी ज़्यादा दरिया में आया हुआ है, बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है और काफ़ी गंदा पानी है और जैसे जैसे हम ट्रैवल आगे की तरफ करते जा रहे हैं और पानी जो है वो थल में जो है वो काफ़ी साफ़ पानी है। जब हम थल पहुँचे थे तो काफ़ी साफ़ पानी था। दोस्तों इस्लामाबाद से लेकर अभी तक हमें बारिश और ये बादल, ये घने बादल हमारे साथ साथ चल रहे हैं, हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं और काफ़ी ख़ूबसूरत मौसम है ये, तो इंसान लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं बाहर कितने ख़ूबसूरत बादल हैं और मंज़र बाहर का बहुत ही दिलफरेब मंज़र है। लेफ़्ट साइड पे हमारे थ्रू आउट दरिया चलता आया जो हमने तकरीबन थल में भी आप अगर स्टे करेंगे तो थल में भी ये दरिया आपके साथ ही रहेगा। बारिश देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा मौसम है और यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे ट्रैवल कर रहे हैं और बारिश यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हुई है और अभी भी हो रही है। 12 किलोमीटर रहता है, 40 मिनट का रास्ता है ऑफ रोडिंग। किधर का 16 मिनट रहता है थल का 16 मिनट रह गया जी रास्ता। 16 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर है और ये 16 किलोमीटर हाफ रोड है और तकरीबन 50-1 मिनट लग जाएंगे और इस टाइम ये चाय बन रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस टाइम हम रुके हुए हैं एक जगह पे, ये जगह है तकरीबन थल से तकरीबन 16 किलोमीटर पीछे हैं और तकरीबन हमें लग जाएंगे 50 मिनट थल तक पहुँचते हुए और इस टाइम काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं और दोस्त चाय की तमन्ना कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी चाय मिलने वाली है हमें। ये माउंट उमर साहब हैं, अदील साहब उसके साथ सोए हुए हैं, उसके साथ बहुत ही सख्त कावड़ में नौमी भाई हैं हमारे और ये ज़िया भाई हैं, ज़िया भाई भी सख्त थकावट का शिकार हैं और एक भाई हमारे गायब हो गए हैं और ये चाचा जी इस टाइम चाय हमें पिला रहे हैं और चाय काफ़ी ज़बरदस्त बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि काफ़ी खालिस दूध की चाय आपको पिलाऊंगा।
ये थल बाज़ार है और ज़रूरती ज़िंदगी की तमाम अशिया आपको थल बाज़ार से मिल जाती हैं। थल बाज़ार से हमने अपनी ज़रूरत की अशिया ख़रीदने के बाद हमारा सफ़र था आगे कुम्हराट वैली की तरफ, क्योंकि कुम्हराट वैली जाकर हमने कोई दरिया के किनारे पे हमने अपनी कैंपिंग करनी थी। दोस्तों आप अगर अपनी गाड़ी लेकर आना चाहते हैं तो छोटी गाड़ी है तो वो थल तक तो आपके लिए ठीक रहेगी, लेकिन आगे लेकर उसको मत ना आएँ क्योंकि आगे रास्ता काफ़ी ख़राब है। ये देख रहे हैं आप, रास्ता काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं रास्ते में, और रात का टाइम था और सफ़र भी काफ़ी मुश्किल था, और काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं रास्ते में और हाफ रोड ड्राइविंग है और काफ़ी मुश्किल ड्राइविंग है। बड़ी गाड़ी है तो फिर तो आप लेके आ सकते हैं कुम्हराट की तरफ, लेकिन रात के टाइम ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये तकरीबन हमें तकरीबन कुम्हराट वैली तक पहुंचते हुए तकरीबन थल से 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि रात का टाइम था, रात में वैसे भी सफ़र जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा रोड ख़राब है, थल से जो कुम्हराट वैली की रोड है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और बारिश हुई हुई थी और रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने की वजह से गाड़ी का जो छोटी गाड़ी है वो तो बहुत मुश्किल है, लोग लेके आते हैं लेकिन वो काफ़ी नुकसानदेह है सफ़र, गाड़ी के लिए भी नुकसानदेह है और आपकी जान के लिए भी नुकसानदेह है। काफ़ी स्लिप कर रही थी, बारिश थी तो बड़ी गाड़ी भी स्लिप कर रही थी, तो छोटी गाड़ी तो आप ख़ुद ही सोच लें तो काफ़ी मसला कर सकती है आपके लिए। रात का सफ़र है, पहली दफ़ा आ रहे थे कुम्हराट वैली, हमें आगे पीछे इसकी सीनरी का अंदाज़ा नहीं, लेकिन जब सुबह उठ के हमने देखा तो बहुत ही खूबसूरत कुम्हराट वैली थी, माशाल्लाह से यहाँ के नज़ारे बहुत खूबसूरत है। अब भी हमारी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके हम कुम्हराट वैली पहुंच जाएं, और अपने जो हम अपने साथ कैंप लेके आए हैं अपनी कैंपिंग करें और वहाँ पे किसी दरिया के किनारे लगाएं और एंजॉय करें। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रास्ता है दोस्तों, दोस्तों हम कुम्हराट वैली पहुंच चुके हैं और हमने अपने टेंट लगाए हैं और यहाँ पे टेंटिंग करने लगे हैं हम। बिल्कुल इसके साथ ही दरिया, इंशाल्लाह सुबह के टाइम आपको दरिया भी दिखाएंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी जा रहा है और बिल्कुल साथ ही हमारे टेंट के साथ ही बिल्कुल दरिया जा रहा है और काफ़ी साफ़ सुथरा पानी है। आप दोस्तों से गुजारिश है कि आपको अगर वीडियो हमारा ये इस्लामाबाद से कुम्हराट तक का सफ़र अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और हमारे चैनल को रियल लाइफ एंड एडवेंचर को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सकेगा।
ये देखें दोस्तों, हमारे दोनों टेंट रेडी हो गए हैं और अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि कोई अच्छा सा खाना हमें मिल जाए साथ ही होटल में, वहाँ पे ऑर्डर कर दे के आए हुए हो तो इंशाल्लाह वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे रात का खाना इंजॉय करते हैं। हमने चिकन कढ़ाई का ऑर्डर दिया है दोस्तों और यहाँ पे जो चिकन कढ़ाई है वो तकरीबन 1200 रुपये है और काफ़ी टेस्टी कढ़ाई बनाई हुई थी और हम दोस्तों ने काफ़ी एंजॉय किया खाने को। काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा हमें तलब थी खाने की और काफ़ी एंजॉय किया हमने। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।